हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णुदत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम जो वैदिक एज, जो हमारा वैदिक काल है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, जो वैदिक काल है हमारा, प्राचीन भारत में जो वैदिक काल था, उसके जो इस पीरियड को है हम जो मेनली ये 1500 से 1000 बीसी के बीच का पीरियड है, सॉरी ये पूरा पीरियड है जो 1500 से 600 बीसी के बीच का पीरियड है, पर हम इसे मेनली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, दो फेज में। एक है वैदिक काल, जो वैदिक एज के नाम से, और एक है लेटर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज के नाम से पढ़ते हैं। पहला फेज हम जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का पीरियड है उसको लेटर वैदिक एज बोलते हैं, उसको वैदिक एज बोलते हैं। और जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड फेज है, वो लेटर वैदिक एज, जो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का पीरियड है। देखिए, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित हुई सबसे पहली जो सभ्यता थी, उसके बाद जो पीरियड है और जो हमारे राजा महाराजा जो किंगडम्स एस्टेब्लिश हुए, जो राज्य स्थापित किए गए, उनके बीच का जो पीरियड है वो वैदिक एज होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वैदिक एज, देखिए जो ये पीरियड है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का पीरियड है, जो पहला फेज है वैदिक काल का। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, ये कैसे इसका पीरियड शुरू होता है। इट इज़ जनरली एग्रीड, ये माना जाता है कि जो आर्यंस थे, आर्यन लोग थे, जो कहीं पे कहाँ पे रहते थे, वो मेनली स्टेपीज रीजन कहाँ पे है, जो साउदर्न रसिया से लेके सेंट्रल रसिया का जो रीजन है उसको, तो ये माना जाता था कि जो आर्यंस लोग हैं, जो सेंट्रल एशिया और जो साउथ एशिया है, जो साउथ रसिया और जो सेंट्रल रसिया का जो रीजन है उससे बिलोंग करते हैं। और कुछ लोग जो ये मानते थे कि ये जो है ईस्ट ऑफ एल्प्स क्या है, एल्प्स एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन सीरीज है, जो यूरोप में बिलोंग करती है, यूरोप के रीजन में है। तो कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ है। ऑन देयर वे टू इंडिया, जब वो इंडिया की तरफ आए, तो आर्यंस जो लोग हैं ये पहले ईरान में रहे, ईरान में शिफ्ट हुए, उसके बाद ये 1500 बीसी के आसपास इंडिया में जो आ गए, वहाँ पे रहने लगे। ये ऋग्वेदा हैज़ मैनी सिमिलरिटी विद अवेस्ता, जो अवेस्ता है, अवेस्ता क्या है, ये सबसे पुरानी बुक है ईरानियन लैंग्वेज की, जो ईरान की लैंग्वेज है, पारसी लोग हैं, जो पारसी लैंग्वेज है उनकी, ये सबसे धार्मिक बुक है, रिलीजियस बुक है उनकी। तो ये ऋग्वेद से बहुत ही सिमिलर बुक है, जैसा ऋग्वेद में हिंदू धर्म या हिंदू हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में वर्णन है ये सब, वहाँ पारसी लोगों का वर्णन अवेस्ता, जो जैंद अवेस्ता भी बोलते हैं इसको, इसमें इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेदा इज़ दी अर्लीस्ट स्पेसिमैन ऑफ एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसका सबसे पहला जो ग्रंथ था वो था ऋग्वेदा था। अर्ली आर्यंस वर सेमिनोमाडिक, जो सेमिनोमाडिक क्या होता है, जो घूमते फिरते रहते, जिनका एक फिक्स जो स्थान नहीं होता, रहने का स्थान नहीं होता, सेटल्ड नहीं होते। तो आर्यंस थे शुरू में जो थे वो सेटल्ड नहीं थे, इधर उधर घूमते रहते थे। एंड केप्ट लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स, और जो वो है उनके पशुओं का जो है ग्रुप रखते थे, जिनको वो चुराते रहते थे। ओके, एज दे सेटल डाउन इन विलेजेज, जैसे जैसे वो विलेजेज गांव में सेटल डाउन होते गए, तो उन्होंने वो दे आल्सो बिकम कल्टीवेटर्स, वो खेती करने लगे, कल्टीवेटर्स बन गए। और वो क्या, यूजिंग ऑक्स टू ड्रा देयर प्लोज, और जो अपने खेतों को जोतने के लिए वो बैल, ऑक्स का यूज करते थे मेनली। नेक्स्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट गॉट इट्स नेम, जो भारत का जो उपमहाद्वीप है उसका नाम जो भारतवर्ष पड़ा, वो उस समय का जो भारत ट्राइब था, एक बहुत ही शक्तिशाली ट्राइब था, कबीला था भारत नाम से, उसके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा था, भारतीय महाद्वीप का नाम। और जो लेटर वैदिक फेज है जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो उसमें क्या है, आर्यंस मोटू गंगा यमुना दोब, दोब क्या होता है मेनली, ये एक जो रिवर्स होती हैं, जो मिलती हैं जब रिवर्स, तो उनके बीच एक जो रीजन होता है, एरिया होता है, उसको दोब लैंड बोलते हैं। तो जो गंगा यमुना का जो एरिया है, उनके बीच का, जब ये गंगा और यमुना मिलती हैं तो उनके बीच का जो दोब लैंड है उसमें ये बाद में जो वैदिक फेज, जो बाद वाला जो वैदिक फेज है, जो 1000 से 600 बीसी के बीच का, उसमें ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। रामायणा है, जो रामायणा ग्रंथ है हम पढ़ते हैं, जो रामायणा ग्रंथ में क्या है, जो
अनफोल्डेड द टेल ऑफ आर्यन एडवेंट इन साउथ, जो साउथ एशिया या साउथ इंडिया में जो आर्यंस का जो वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उन्होंने कदम रखा था, तो उसका वर्णन रामायण में अनफोल्डेड यानी वर्णन किया गया, उसको खोला गया, प्रकट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वैदिक पॉलिटी। देखिए जो वैदिक पॉलिटी है इसको हम ऋग्वेद से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो वेद था वो पुराना भी है जो सबसे, वो ऋग्वेद था, तो ऋग्वैदिक पॉलिटी भी बोल देते हैं हम कई बार। तो उनकी पॉलिटी के बारे में जानते हैं कैसी राज व्यवस्था थी। जो चीफ वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब और जना, जो ट्राइब है उसको जना बोलते थे हम, जना जन, उसका चीफ था जो, वो चीफ होता था उसका जो प्रोटेक्ट करता था पूरे कबीले को, एक ट्राइब को। ही हैड ओनली लिमिटेड पावर, पर उसके पास जो पावर्स है बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लिमिटेड होती थी, क्योंकि उसको रेकॉन विद द ट्राइबल असेंबली, जो सभाएं होती थी ट्राइबल कबीले की, जो सभाएं करते थे लोग मिलके, उनका सामना करना पड़ता था, उनको जवाब देना पड़ता था उसको, इसलिए इसकी पावर्स लिमिटेड ही थी। कुछ असेंबलीज हैं उस टाइम की जिनका नाम है सभा, समिति, विधाता, गणा यानी गण, ये सब जो हैं उस टाइम की असेंबलीज होती थी जो उनके नाम है। विधाता जो असेंबली है वो सबसे पुरानी है, और दीज असेंबलीज एक्सरसाइज डेलिब्रेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन, और इनके फंक्शन क्या थे इन असेंबलीज के, वो किससे रिलेटेड थे, डेलिब्रेटिव, जो कि डेलिब्रेटिव होता बिना किसी, मतलब केयरफुली करना किसी काम को, किसी काम का जो डिसीजन लेते थे उससे पहले उसके बारे में कई बार सावधानी से सोचते थे। इस बारे में जो फंक्शन होते थे मिलिट्री से रिलेटेड थे, या फिर रिलीजियन या धर्म से रिलेटेड जो फंक्शन थे वो इन असेंबलीज में डिस्कस किए जाते थे। सभा एंड समिति, ये जो असेंबलीज हैं, ये जो इम्पोर्टेंट असेंबलीज हैं दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी, जिनमें जो सभा है उसका वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, समिति इसके कंपेरिजन में कम महत्वपूर्ण थी। देर आर फ्यू नॉन मोनार्कियल स्टेट्स, नॉन मोनार्कियल होते हैं जो, जहाँ पे राजा नहीं होता, लोग आपस में असेंबली से या फिर लोग मिलके उसको चलाते हैं। ओके, राजा का किंगडम टाइप का यहाँ पे कोई रीजन नहीं होता। तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनके हेड को क्या बोलते थे, गणपति या ज्येष्ठा या फिर गणपति के नाम से जो उनका हेड होता था उसको हम नाम लेते थे इस टाइम पे। अब वैदिक सोसाइटी, जो सोसाइटी है, समाज था जो वैद काल में, वैदिक एज में, उसके बारे में देखते हैं। पीपल वर वेरी लॉयल टू देयर ट्राइब, जो उनका लोग है, जो उनके जो कबीला है या एक जाति है उसके, जिसको ये जना बोलते थे उस टाइम पे, जना, तो उसके प्रति बहुत ही लॉयल थे, बहुत ही भक्त थे। मतलब फैमिली वाज पैट्रियार्कल, और पैट्रियार्कल फैमिली जो था वो पैट्रियार्कल यानी कि जो पितृभक्त या जो पितृप्रधान या फिर पुरुष प्रधान, जिसमें मेंस की जो है पावर ज़्यादा होती थी, मेंस जो हमारे पुरुष लोग हैं। और एंड बर्थ ऑफ ए सन वाज डिजायर्ड, और जो लोगों की इच्छा क्या होती थी कि उनको जो है बेटे का जन्म हो उनके घर में, बेटी को उस टाइम पे इतना महत्व नहीं था। फैमिली वाज ए लार्ज यूनिट, और फैमिली है जो एक इकट्ठे बड़े बड़े फैमिली होते थे उस टाइम पे। कॉमन नेम फॉर जो सन है, ग्रैंड सन है और नेफ्यू है जो है, तो इनके नाम पर एक कॉमन नेम से पुकारते थे इनको, अलग अलग से कोई नाम नहीं था, एक ही नाम से पुकारते थे। एंड वन वर्ड फॉर द पैटर्नल एंड मैटर्नल ग्रैंडफादर, जो हम इस टाइम पे दादा और नाना के जो रिश्ते होते हैं हमारे, उस टाइम पे एक ही रिश्ता होता था, एक ही नाम से पुकारते थे इस रिश्ते को। राष्ट्रा किंगडम, जो राष्ट्रा नाम की जो टर्म है, किंगडम है जो, जैसे जो टेरिटरी है, एक स्पेशल टेरिटरी, एक राष्ट्र होता है एक रीजन के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर, तो इस तरह की कोई टर्म वहाँ पे उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोशल डिवीजन, जो समाज के जो डिवीजन कैसे किए गए, कैसे उनको बांटा गया था समाज को। व्हेन आर्यंस केम टू इंडिया, नो कॉन्शियसनेस ऑफ द कैस्ट एटसेट्रा, जब आर्यन जो शुरू में जब इंडिया आए थे 1500 BC के आसपास, तो उस टाइम पे लोगों को जाति वगैरह के बारे में कोई उनको पता नहीं था, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वर्ड वर्णा, जो वर्णा सिस्टम है वो ऋग्वेदा में दिया गया है, ऋग्वेदा में इसका रेफरेंस दिया गया है, टू ओनली दोज आर्यंस और दासाज, और ये भी ऋग्वेद में भी इनको आर्यंस, कुछ आर्यंस हैं उनके लिए ही ये यूज हुआ है। किस टर्म में, ये फेयर और डार्क कम्प्लेशन, उनके जो रंग रूप है उनका गोरा या फिर काला, जो रंग है डार्क है, गहरा रंग है, उसके
उससे रिलेटेड है, कुछ आर्यंस के लिए ही यूज हुआ ऋग्वेद में भी, नॉट यूज विद ब्राह्मणा और अक्षत्रिय, जो अक्षत्रिय और ब्राह्मण है उनसे ये रिलेशन, उनसे इसका कोई रिलेशन नहीं, वो इस वर्ड को यूज नहीं करते थे जो वर्ण सिस्टम। जो क्वाड्रेपल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो चार डिवीजन है सोसाइटी के वर्ण के आधार पर वर्ण सिस्टम है जो, वो सबसे पहले 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको दिखाया गया पहली बार जो वर्णन है उसका। और जो शूद्र है, जो चौथा वर्ड है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण है, जो शूद्र है फोर्थ वर्ण है जो, उसको भी 10th मंडल में, जो ऋग्वेदा का 10वां मंडल है उसमें पहली बार वर्णन है इसका। आश्रम सिस्टम, जो आश्रम सिस्टम था, आश्रम सिस्टम क्या होता है, जो हमारे जीवन के चार स्टेज है इसमें, जैसे ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार स्टेज हैं जो लाइफ के एज के अकॉर्डिंग, एज पे बेस्ड हैं ये। इसको भी ये हैड नॉट डेवलप्ड फुली, ये थोड़ा थोड़ा ही डेवलप हुआ था उस टाइम, ये भी लेटर वैदिक पीरियड, जो हम नेक्स्ट वैदिक पीरियड पढ़ेंगे उसमें जो लेटर वैदिक पीरियड है उस टाइम पे डेवलप हुआ था, ये भी पहले डेवलप नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक गॉड्स, अब भगवान क्या क्या थे उस टाइम पे, वैदिक काल में भगवान की पूजा करते थे लोग, तो देखते हैं कौन कौन से भगवान थे। अर्ली वैदिक, जो शुरू का जो वैदिक पीरियड है, रिलीजन वाज नेचुरलिस्टिक, जो रिलीजन था, धर्म था, वहाँ पे कोई स्पेशल धर्म नहीं था, वो नेचर की पूजा करते थे, नेचुरलिस्टिक यानी नेचर, जो प्रकृति है उससे उसकी पूजा करते थे। नाइदर टेम्पल्स नोर आइडल्स, ना तो कोई मंदिर वगैरह थे, ना आइडल्स कोई मूर्ति वगैरह थी। ओके, मोड ऑफ प्रेयर वाज रेसिटेशन ऑफ मंत्रज, जो पूजा करने का जो सोर्स था वो क्या था, रेसिटेशन ऑफ मंत्रज, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, अलग अलग मंत्र बोलते थे। सेक्रीफाइस वाज ऑफर्ड फॉर, जो सेक्रीफाइस है, जो बलि वगैरह हैं, बलिदान वगैरह जो किए जाते थे, वो किसके लिए किए जाते थे, वो प्रजा यानी कि चिल्ड्रन, पशु, कैटल, जो हमारे पशु होते थे, धना, वेल्थ, वेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बलिदान करते थे लोग, सेक्रीफाइस करते थे। नॉट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ और अगेंस्ट माइजरी, ये लोग जो स्पिरिचुअल है, जो हमारा आध्यात्मिक, जो हमारा अध्यात्म है, धर्म है, उससे रिलेटेड कोई भी सेक्रीफाइसेज नहीं देते थे। ओके, सिर्फ ये पशु, प्रजा और धन से रिलेटेड उनकी वृद्धि के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सेक्रीफाइसेज करते थे। कुछ गॉड्स के नाम देखते हैं उस समय पे, जो वैदिक काल में गॉड्स थे, वायु, वायु कौन से गॉड होते थे, वायन गॉड, जो हवा के भगवान है, हवा के, वायु के हमारे, उसको वायु बोलते थे। फिर दयायु, दयायु किसका थे, फादर ऑफ हेवन, जो स्वर्ग के पिता हैं, उसको दयायु। अदिति किसका नाम था, जो गॉड थे हमारे, मदर ऑफ सूर्य, जो सूर्य भगवान है उनकी माता का नाम अदिति। मारुत, मारुत गॉड है, जो स्टॉर्म स्पिरिट्स, जो तूफान होता है हमारा, तूफान वगैरह के लिए, जो लाने के लिए, जो उत्तरदायी होता है, यानी जिसके कारण तूफान आते हैं, वो भगवान थे मारुत। गंधर्वा, गंधर्वा क्या होते थे, डिवाइन म्यूजिशियंस, जो दैविक, जो म्यूजिशियंस होते थे, जो गाने वगैरह गाते थे या बनाते थे, जो गाने गाते थे, वो गंधर्व। अश्विन, अश्विन कौन होते थे, हीलर्स ऑफ डिजीज, जो डिजीज को, जो बीमारियां होती थी उनको दूर करते थे। एक्सपर्ट्स इन सर्जिकल आर्ट, सर्जरी वगैरह करते थे, इस आर्ट में भी ये बहुत ही एक्सपर्ट होते थे। रिभुज किसका नाम है, ये थे जिनोम्स, एक जो जादुई बोने, जिनोम क्या होते हैं, ड्वार्फ, जो जादुई बोने की मूर्ति टाइप होती थी एरिबोस, इसको ये इसकी पूजा करते थे। अप्सराज, अप्सराज क्या होते थे, मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स, जो अप्सरा किसको बोलते थे, अप्सरा होती थी जो मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स, मींस जो मिस्ट्रेस मींस जो प्रेमिका होती थी, भगवान की प्रेमिका टाइप ये, या उपपत्नी भी बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में। रुद्रा, रुद्रा भगवान जो है, एन आर्कर गॉड, एक जो धनुर्धारी, धनुष लिए हुए ये भगवान होते थे। हुज एंगर ब्रॉड डिजीज, जिसका जो अगर वो नाराज हो गए, यानी जिनको अगर गुस्सा हो गया तो वो डिजीज, जो बीमारियाँ होती थी उनके गुस्से से होती थी, तो इसके लिए ये इसकी इनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट फीमेल डिटीज, कुछ हमारे जो फीमेल है, जो फीमेल भी इनकी देवी या थी, उनको मानते थे ये। उषा, उषा कौन सी देवी थी, गोडेस ऑफ डान, जो उषा काल की देवी है, जो सुबह का टाइम होता है सवेरा, उसको उषा काल बोलते हैं, तो उस टाइम की जो उषा काल की देवी उषा। अदिति, अदिति थी मदर ऑफ गुड्स, जो वस्तुएं होती थी हमारी, थिंग्स होती थी या माल वगैरह सामान होता था, उन सब की जो माता थी, देवी थी, उनको अदिति बोलते थे। पृथ्वी कौन सी, अर्थ गोडेस, जो भूमि या पृथ्वी की, जो हमारी अर्थ की देवी थी। अर्यणी, अर्यणी, अर्ण्य मतलब जंगल, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट गोडेस, जो जंगलों की, वनों की जो देवी थी। सरस्वती, दी रिवर डेटी, जो नदियों की देवी थी हमारी, वो
थी सरस्वती देवी थी। तो ये हमारे जो फीमेल जो गॉड इनकी देवी देवता थे, इनकी पूजा करते थे। और देखते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन, जो स्त्रियां हैं वुमेन है हमारी, उनकी क्या पोजीशन थी इस टाइम में जो वैदिक काल है। तो वैदिक काल में दे अटेंडेड सभा एंड विधाता, उनकी जो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी वुमेन की। वो सभा और विधाता जो हमारी असेंबलीज हैं, जो इम्पोर्टेंट असेंबलीज होती थी उनमें ये अटेंड करती थी। उनको दे टुक पार्ट इन सेक्रीफाइसिज एलोंग विद देयर हस्बैंड, जो बलि वगैरह देते थे लोग, सेक्रीफाइसिज करते थे अपनी प्रजा के लिए या फिर जो उनके पशुओं के लिए, तो उसमें भी ये वुमेन पार्टिसिपेट करती थी अपने हस्बैंड्स के साथ। नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज का कोई भी प्रमाण नहीं मिला इस टाइम में। और मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए जो मैरिज की एज थी वो 16 से 17 साल के बीच की थी। विडो रीमैरिज, और यहाँ पे विडो जो विधवाएँ हो जाती थी स्त्रियाँ, उनकी भी दोबारा से मैरिज रीमैरिज होती थी, उसके भी प्रमाण मिले हैं। प्रैक्टिस ऑफ नियोग, एक और यहाँ पे एक और जो प्रैक्टिस थी जो नियोगा की जो सेरेमनी थी वो भी होती थी। उसमें क्या होता था, नियोगा सेरेमनी में क्या होता है, लेविरेट भी बोलते हैं हम इसको। इसमें होता है जो चाइल्डलेस विडो होती हैं, जिनका कोई भी मतलब पुत्र नहीं पैदा हुआ जिनको, उनके लिए क्या होता था, वो वुड कोहैबिट विद हर ब्रदर इन लॉ, जो उनका देवर होता था उसके साथ वो रह सकती थी। जब तक कब तक, जब तक उनका बेटे की जो है प्राप्ति नहीं होती, उनको बेटे का जन्म नहीं होता। ओके, इसको बोलते थे नियोगा सेरेमनी। मोनोगैमी वाज इस्टेब्लिश, जो मोनोगैमी है, मोनोगैमी होता एक विवाह, एक टाइम पे एक ही शादी होती थी उनकी, तो ये उस टाइम पे ये प्रथा थी। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री वर आल्सो नोन, कुछ कुछ जगह पे पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी भी कर सकते थे लोग, इसको पॉलीगैमी बोलते हैं। एंड पॉलीएंड्री होता है वुमेन के रिस्पेक्ट में, फीमेल के रिस्पेक्ट में, जब एक फीमेल के एक से ज़्यादा शादी हो यानी एक से ज़्यादा हस्बैंड हो उसके, तो ये सब प्रथा भी उस टाइम पे, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र है। ओके, तो ये सब हमने जान लिया वैदिक काल के अलग अलग जो फेजेज हैं उनके बारे में, उनकी पॉलिटी सोशल लाइफ सब, और वुमेन की पोजीशन कैसी थी इसके बारे में। तो यहाँ पे जो वैदिक काल है, जो वैदिक एज है, उससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो बेल आइकन बना है उसको दबा लें, प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन प्राप्त हों। ओके, अगर आप और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो हमें कंटिन्यू फॉलो करें चैनल को। ओके, और मैं जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके डायरेक्ट लिंक डाल दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।